के बाद जब कैंप में छोड़ेंगी उसके बाद में जिस कंपनी में भी आदमी की डिमांड होगी कि 10 आदमी चाहिए, 20 आदमी चाहिए, 50 आदमी चाहिए, उस हिसाब से आदमी को ट्रेन करती है कि तुमको फला कंपनी में जाना है, फला कंपनी में इस चीज़ का काम होता है। जो एग्रीमेंट वहाँ से साइन करके आते हो आपकी, मेरी सैलरी इतनी होगी, 1200 होगी, 1300 होगी, 1400 होगी, 1000 होगी, तो जो सैलरी में आप आते हो वो सैलरी आपकी फिक्स रहती है। इससे पहले मैं आपको बता रहा था कि जब दो दो महीना बिठा देती तो सैलरी कैसे देती। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सप्लायर कंपनी काम कैसे करती है। आपने भी बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे लोग बताते हैं कि कंपनी में आओ, प्राइवेट सेक्टर में मुसस्से में मत आओ, क्योंकि मुसस्से के काम में और कंपनी के काम में जमीन और आसमान का अंतर होता है। तो बहुत से लोग बोलते हैं, मैं खुद आपको रिकमेंड कर रहा था इससे पहले कि कंपनी में जहाँ तक हो सके कंपनी में आओ। कंपनी का काम आसान होता है, सैलरी का मसला ठीक ठाक होता है, दो चार दिन लेट भले आ जाए मगर सैलरी एकदम फिट आती है, मुसस्से से 100 गुना अच्छी रहती है सिस्टम। मगर जो सप्लायर कंपनी है ये ऐसी वाहियात कंपनी है कि अगर इसमें आप आ गए तो आप ये समझिए कि मुसस्से से भी ज़्यादा बदतर हालत होती है इसमें। हालांकि कुछ केसेस में अगर देखेंगे तो अच्छी भी है, अच्छी का मतलब आप 5% 10% समझ सकते हो, मगर 90% लोग ऐसे हैं जो बेचारे फंस जाते हैं वहाँ से आगे, यहाँ रह के वो यही कहते हैं बस एजेंट बुरा था, ऑफिस बुरा था, उसने मुझे फंसा दिया यहाँ पे लगे। तो सप्लायर कंपनी का सिस्टम कैसे काम करता है, यहाँ पे कैसे काम करता है, उसकी पहचान क्या होती और इसको जान कैसे सकता है आदमी की सप्लायर कंपनी वहाँ से आने के बाद। और बहुत सारे मेरे भाई होंगे जो वीडियोस देखते होंगे, यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे सप्लायर कंपनी के बारे में, बहुत से लोग बताते हैं, बहुत से लोग से जानकारी मिलती है, तो बहुत से लोग जानते भी होंगे और बहुत से लोग नहीं भी जानते हो। तो दोस्त, अगर आप लोग भी नहीं जानते हो, कुछ ऐसी बातें हैं इसमें कि शायद आप लोग भी नहीं जानते हो, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने हो डिटेल बाई डिटेल, तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि हर एक जानकारी आपको सही तरीके से मिल सके। छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने वीडियो में आगे, करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सऊदी अरब में जो ये कंपनी होती है, सप्लायर कंपनी, ये सऊदी अरब में कैसे काम करती, उसके बाद में कुछ बेसिक्स पॉइंट बताता हूँ आपको इसके बारे में जो शायद आप लोगों ने इससे पहले नहीं सुना होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये सऊदी अरब में काम कैसे करती है। तो दोस्त, जो एक कंपनी है सप्लायर कंपनी, ये एक कंपनी नहीं है, ये बहुत सारी कंपनियां हैं, कुछ अलग अलग नाम से होती हैं और इनके ब्रांचेस अलग अलग सिटीज में होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे दम्माम में हूँ, तो दम्माम में इसकी कोई और कंपनी, कुछ और नाम होगा कंपनी का। उसके बाद में जिद्दा में, रियाद में, खोबर में, अलग अलग सिटीज में अलग अलग कंपनी होती है। जैसे अदर सारी कंपनीज होती है वैसे ये भी होती है, जो अदर कंपनीज होती है वो प्रोडक्ट बनाती है, वो उनको सप्लाई करती है, पर ये सप्लायर कंपनी आदमी सप्लाई करती है, ये आदमी वहाँ से बुलाती है ग्रुप में, उसके बाद में यहाँ पे अपने पास इनका एक कैंप खुद का होता है, तो अपने कैंप में रखती है। कैंप में रखने के बाद जब जहाँ भी, मतलब ये इनका नेटवर्क रहता है पूरे अलग अलग कंपनीज में, तो जहाँ पे जितने आदमियों की ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से उनको ट्रेन करके उसके बाद में उस कंपनी में जाके छोड़ती है। तो जो बंदा उसमें आता है, तो पहले सबसे पहले आने के बाद ये इनके बंदे होते हैं यहाँ पे, तो आपको एयरपोर्ट से उठवाएंगे, एयरपोर्ट से उठवाने के बाद अपने कैंप में लाके छोड़ेंगे, कैंप में लाके छोड़ने के बाद आपको जो खर्चा पानी की ज़रूरत होगी यहाँ पे देते हैं उन लोग, देने के बाद आपको रहने की पूरी सुविधा व्यवस्था पूरी करवाने के बाद आपको इत्मीनान कर देंगे, फिर आपको बिठाएंगे एक दिन, दो दिन, तीन दिन या एक हफ्ता या दो हफ्ता, ऐसा ऐसा कभी केस में होता कि दो दो महीना बिठा देते हैं। एक मेरे भाई कमेंट कर रहे थे, सप्लायर कंपनी में थे, वो बोले 2 महीना हो गए मेरे को काम ही नहीं दिए। कि एक खास बात और होती है, आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, ये जो आपको लाने के बाद जब कैंप में छोड़ेंगी उसके बाद में जिस कंपनी में भी आदमी की डिमांड होगी कि 10 आदमी चाहिए, 20 आदमी चाहिए, 50 आदमी चाहिए, उस हिसाब से आदमी को ट्रेन करती है कि तुमको फला कंपनी में जाना है, फला कंपनी में इस चीज़ का काम होता है, तो इसकी ट्रेनिंग देते हैं पहले 2 दिन 3 दिन या 1 हफ्ता इसे आसपास में, 2 दिन 3 दिन या 1 हफ्ते के आसपास ट्रेनिंग देने के बाद आपको वहाँ से भेज देंगे उस कंपनी में, उसकी आईडी बनाने के बाद वो कंपनी की आईडी बना देंगे, उसके बाद में वो कंपनी आपको भेज देंगे, और वो कंपनी के बाद आपकी सैलरी जो होती है वो फिक्स तो वहीं से होती है। वहाँ से आने के बाद आप एक एग्रीमेंट साइन करते हो ऑफिस में जाके, तो वो एग्रीमेंट जो होता है उसके बारे में भी आपको बताने वालों आगे। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसी चीज़ के बारे में, जो एग्रीमेंट वहाँ से साइन करके आते हो आपकी, मेरी सैलरी इतनी होगी, 1200 होगी, 1300 होगी, 1400 होगी, 1000 होगी, तो जो सैलरी में आप आते हो वो सैलरी आपकी फिक्स रहती है। जिस कंपनी में आपकी कंपनी आपको सप्लाई करती है उस कंपनी से उसकी सेटलमेंट होती है और वो उससे सैलरी फिक्स करती है कि कितनी सैलरी में इस बंदे को भेजना है मुझे। तो अगर आपकी सैलरी यहाँ पे 1000 है, उसको आगे 1500 मिल रही है, 1800 मिल रही है, 2000 मिल रही है, तो उस हिसाब से अपना फ़ायदा देख के वो आपको आगे भेज देगी।
फिर उस कंपनी से सैलरी वो उठाएगी, उसके बाद में आपके एटीएम में आपके खाते में सैलरी ये अपने हाथ से भेजेगी। और जो सप्लाई कंपनी होती है, आप ये समझिए कि पूरा सिस्टम, पूरा प्रोसेस क्या होता है सिस्टम इसका, सरकारी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होती है क्या होती है, इतनी जानकारी नहीं दे सकता हूँ ना मुझे इतनी जानकारी, पर जिस तरीके से काम करती है इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको। तो जब ये आपका एटीएम भी बनाती है, आपका इकामा भी वही कंपनी बनाती है, आपके सारे सिस्टम, रहने का खाने का सिस्टम सब वही करती है। कोई कोई कंपनी होती है जो आपको शिफ्ट किया जाता है, कोई कोई कंपनी खाना देती है, तो अगर वो खाने का चार्ज वो कंपनी नहीं ले रही, तो कोई कोई सप्लाई कंपनी होती है जो आपके खाने में चार्ज कर देती है, 200 रियाल कर दे, 150 रियाल कर दे, 250 रियाल कर दे, तो वो अपने पास चार्ज लगा देती कि वो भी 200 रियाल 250 रियाल उसका एक्स्ट्रा फायदा। उसके बाद आपकी सैलरी जो होगी वो सैलरी आपको मिलेगी, फिर जो ओवर टाइम करवाएगी उसी कंपनी से, किसी कंपनी में आपको भेजी उसके बाद में ओवर टाइम आपसे करवा रही वो कंपनी, तो वो ओवर टाइम अगर आपको 5 रियाल घंटे दे रही, तो फिर आप ये समझिए आगे वो उससे 8 रियाल 10 रियाल 12 रियाल 15 रियाल घंटे तक उससे ले सकती आपकी कंपनी सप्लाई, तो आपको उसमें से काट के 5 रियाल तक वो जोड़ के आपके खाते में भेज देगी, कितना रियाल आपका बनता है पूरे मंथ का, उसके बाद में आपके पास भेज देगी। ठीक है, तो इसमें बुराइयाँ क्या होती है, आप बंदा वो बंदे बहुत से बोलते हैं कि बहुत परेशानी हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, इसमें नई सप्लायर कंपनी है, तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें मसला बस ये हो जाता है कि सैलरी का, सबसे पहली बात तो सैलरी हो जाती है कि सैलरी ये हमेशा लेट देती है, 10 दिन कभी 15 दिन कभी 1 महीना हो जाता है। कोई कोई कंपनी होती है जो लेट तो भी होता है, बस एक आध हफ्ता होता है, उसके बाद में सैलरी आपके अकाउंट में आ जाती है। कुछ कंपनियां होती हैं जो 15 दिन 20 दिन लेट कर देती हैं सैलरी। इससे पहले मैं आपको बता रहा था कि जब 2-2 महीना बिठा देती तो सैलरी कैसे देती है, जब तक आप इसके पास काम नहीं लगता। आप ये समझिए कि आप अगर इंडिया से आओ, आप इंडिया से आने के बाद 1 महीना 2 महीना 3 महीना अगर आपका काम नहीं लगता है, तो आपकी सैलरी उस टाइम में, उस पीरियड में सैलरी आपकी आना आप इम्पॉसिबल ही समझिए, बिल्कुल ना कि आपकी सैलरी नहीं आ पाएगी। उसके बाद में जब से आपकी ड्यूटी चालू होगी, आपका महीना जैसे पूरा हुआ ड्यूटी चालू हो गई, एक साथ में आपकी सैलरी भेज दे या 2-2 महीने करके भेज दे डिवाइड करके, तो इस हिसाब से सैलरी भेजती है। अगर आपको बिठाएगी तो खर्चा शायद आपका उठा ले, बाकी सैलरी आपको नहीं देती। बहुत सारी समस्याएं सब हो जाती है इसमें। और जो एग्रीमेंट की बात कर रहा था, एग्रीमेंट क्या होता है, तो एग्रीमेंट दोस्त वो एग्रीमेंट बिल्कुल फेक होता है, एग्रीमेंट को कोई काम में नहीं आता। कि जो वो बनाते हैं वहाँ पे ऑफिस वाले, जो बिना ट्रेनिंग लिए बिना कोई वो किए कि तुमको सप्लायर कंपनी में जाना है, तो यहाँ से वो आदमी खींचती है, वहाँ से आदमी उठाती है, भाई आदमी उसको उठा के यहाँ पे देना है, उसको फायदा कमाना है, उसको अपना काम थोड़ी करवाना है। तो बंदे को अगर थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस होगा, जो एजेंट वहाँ से भेजते हैं तो उससे पूछ लेते हैं, भाई तुमको आता है काम नहीं आता। जो नए बंदे आते हैं उनको थोड़ा डर भी रहता है कि अगर उनको काम नहीं आता, ऑफिस में बोल दिए काम आता है, फिर सऊदी में आए फिर काम नहीं हो आता है उनको, तो बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए वो पहले बता देते काम मेरे को आता है, तो इस हिसाब से उनको वहाँ से भेज दिया जाता है कि एक लोकल एग्रीमेंट बना के कि जाओ तुम यहाँ से इतनी सैलरी में, तुम्हारी इतनी ड्यूटी रहेगी, अगर तुम वहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो ये 5,000 रियाल जो 6,000 रियाल तुम खर्चा करके यहाँ जा रहे हो तुमको भरना पड़ेगा, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। और एक लोकल एग्रीमेंट है, वो उससे कोई मतलब ही नहीं रहता। जो ओरिजिनल कंपनी का एग्रीमेंट होता है, वो ट्रेनिंग लेने के बाद वहाँ से आप सिलेक्ट होंगे, जो वहाँ से ऑफिस में जो आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग होने के बाद आप वहाँ से सिलेक्ट होंगे, उसके बाद में एक ओरिजिनल एग्रीमेंट बनता है कंपनी का, उस पर कंपनी की भी साइन मोहर रहती है और आपकी भी रहेगी। तो वो एग्रीमेंट पर आप यहाँ कार्रवाई भी कर सकते हो, आपके साथ कोई दिक्कत हो रही है। और जो लोकल एग्रीमेंट आपका ये बनाते हैं इन लोग, इस पर आप कुछ नहीं कर सकते, ना आपकी कंपनी कुछ कर सकती, वो भी कुछ नहीं कर सकती, ना आप भी कुछ कर सकते। बस ये है कि अगर कोई आप गलती करते हो या कुछ दिक्कत होती है, तो फिर आपकी कंपनी एक्शन ले सकती है, या आपकी कंपनी कुछ कर रही तो आप उसके खिलाफ लेबर कोड में जाके खुद जो है एक्शन ले सकते हो, खुद आप कंप्लेन कर सकते हो लेबर कोड में जाके। ये सब वो सिस्टम होती है इसका कंपनी की। और सबसे बड़ी बात इसमें जो ये रहती है कि इसको पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, मेरे और आपके लिए इसको पहचानना बहुत ही मुश्किल है कि सारी कंपनी की यह सेम रहती है, सेम इसका नाम रहता है, जिसे कंपनीज का नाम होता है उसे सेम इसका भी नाम होता है, ये सेम वर्क कंपनी का रहता है, सेम वर्क भी इसमें बताते हैं, भाई वहाँ से क्लियर होकर तो आता नहीं कि तुम्हारा, ये बोलते हैं अगर लेबर में जा रहे हो जाओ भाई तुमको क्लीनिंग का काम मिलेगा, तुमको ये होटल में काम मिलेगा, तुमको मॉल, तुम्हारा मॉल का काम है, तो बंदे के दिमाग में एक माइंड सेट बन जाता है कि हाँ यार मेरा तो मॉल में काम है, मेरा क्लीनिंग में काम है, मेरा उसमें काम है, भाई उस काम में जा रहा हूँ, और मेरी कंपनी का नाम ये है, जिसे आपको साइड में दिख रहा होगा, देखिए वीजे की फोटो, ये यहाँ पर जो लिखा है ये कंपनी का नाम होता है। अगर यहाँ पे अगर आपका कंपनी है तो आपकी कंपनी का नाम लिखा होगा, नहीं तो आपका अगर कफील है, मुसस्सा बोलते हैं, मुकावलात बोलते हैं यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, उसका नाम यहाँ पे लिखा होगा। तो ऐसे सिस्टम होते हैं। तो इसमें अगर आपकी कंपनी का नाम लिखा तो भाई किसी को भी पढ़ाओगे, अगर अरबी पढ़नी भी आती उसको तो ही बताएगा भाई तुम्हारी कंपनी का नाम ये, तो कैसे समझ पाओगे कि डायरेक्ट कंपनी का भी जाए।
सप्लायर का नहीं है। तो इसके कुछ हिंट दे देता हूँ आपको मैं, क्लियर तो मैं भी नहीं बता सकता कि कैसा होता है। सप्लायर कंपनी जो बुलाती है, तो आप सैलरी में अगर देखोगे तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो, जैसे कि अगर लेबर में आ जाओ तो 1000 से 1100 से 1200 लास्ट फाइनल सैलरी होगी इसमें लेबर में। उसके बाद में अगर ऊंची पोजीशन पे आ रहे हो, मान लो कोई ड्राइवर में आ रहे हो, तो ड्राइवर में भी बस उसी के आसपास 100-200 रियाल 300 रियाल बढ़ा के बहुत मुश्किल से 100-200 रियाल बढ़ा के आप समझिए 1300-1400। उसके बाद में अगर आप किसी ऊंचे सुपरवाइजर में आ रहे हो तो उसी हिसाब से आप सैलरी डिवाइड कर सकते हो, इतनी सैलरी हो सकती है। सबसे पहले हिंट तो है। दूसरी बात ये रहती कि ग्रुप में पब्लिक आदमी बुलाती है, ग्रुप में जैसे आप 30 लोग का 40 लोग का 45 लोग का ग्रुप है तो साथ में ही पब्लिक पूरी आएगी। और जो डायरेक्ट कंपनी होती है उसको जितने बंदे जरूरत होते हैं, अगर प्लम्बर की जरूरत हुई, ड्राइवर की जरूरत हुई, तो अगर 5 ड्राइवर जरूरत है 6 ड्राइवर जरूरत, तो डायरेक्ट भी यहाँ से ऑफिस भेज देगी और ऑफिस वाले आपकी ट्रेनिंग करवा के सब कुछ सिस्टम बनवा के आपको वहाँ से भेज देंगे यहाँ पे। तो इसमें ये सिस्टम होता है कि आप ये एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये ग्रुप में बुला रही। तीसरी सबसे बड़ी बात होती है होती कि देखिए जो वहाँ पे डायरेक्ट कंपनी होती है बिना सिलेक्शन के वहाँ से भेजती नहीं है। सबसे बड़ी बात यह थी, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि सिलेक्शन बिना किए आपको नहीं भेजेंगे वहाँ से। आपकी ट्रेनिंग होगी, इलेक्ट्रीशियन हो आप, इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग होगी वहीं पे, ड्राइवर हो आप, ड्राइवर की ट्रेनिंग होगी वहीं पे, या कोई भी काम करते हो आप तो ट्रेनिंग करने के बाद आप सिलेक्ट हो गए कि हाँ आप सिलेक्ट हो चुके हो और आपकी सैलरी, आपका ओरिजिनल एग्रीमेंट सब कुछ वहीं पर फिक्स कर दिया जाएगा। और एग्रीमेंट एकदम मजबूत होता है, सैलरी भी ढंग की होती है जो कंपनियाँ देती हैं, उसमें सैलरी आपको वहीं बता दिया जाएगा 1700 रियाल 1800 रियाल 1800 रियाल 2000 रियाल, ऐसे सैलरी एकदम फाइनल करने के बाद फिर वहाँ से आपको यहाँ रिपोर्ट कर दी है सऊदी में। तो ये होता है सप्लायर कंपनी का सिस्टम, ऐसे चलता है, सारे सिस्टम ऐसे चलते हैं। यहाँ पे भी इसे काम करती है, वहाँ पे आपको बता दिया। अगर आपको आना चाहते हो तो कुछ हिंट आपको दे दिया हूँ, आप इससे समझ सकते हो कि सप्लायर कंपनी में ज़्यादातर सिस्टम ऐसे होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो। चलिए दीजिए इजाज़त, करते हैं अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।